मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाली लैब का पर्दाफाश। 2 से 5 हजार रुपए में बन रही थी मनमानी कोरोना रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने किया खुलासा, लैब असिस्टेंट गिरफ्तार। कोरोना काल में कईयों के अपने बिछड़ गए, कई अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए। वहीं अब चल रही तीसरी लहर में भी कोरोना का संकट बना हुआ है। वास्तव में समय मुश्किल है, लेकिन कुछ शातिर आपदा में भी लालच का अवसर निकाल अपनी जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज गुरुग्राम में उजागर हुआ है, जहां एक डायग्नोस्टिक लैब में कोरोना टेस्ट की तैयार होती थी फर्जी रिपोर्ट। डीएलएफ जैसे पाश इलाके में चल रही एसआरएल लैब की फ्रेंचाइजी गुड हेल्थ डायग्नोस्टिक में 2 से 5 हजार रुपए लेकर चल रहा था ये फर्जीवाड़े का खेल। बस पैसे दो और मनमानी कोरोना रिपोर्ट पाओ, मर्जी आपकी। आप कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहते हैं या पॉजिटिव? पिछले करीब 5 महीने से चल रहे इस खेल का आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम की टीम ने स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम के साथ मिल छापेमारी कर दिया है पर्दाफाश। हालांकि लैब संचालक तो नहीं मिल पाया मौके पर, लेकिन टीम ने लैब असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है और उससे की जा रही है पूछताछ। दरअसल ये गुड हेल्थ डायग्नोस्टिक लैब साइबर सिटी के पास इलाके डीएलएफ फेज 3 में चल रही थी, जहां फर्जी तरीके से पैसे लेकर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती थी, जिसकी कीमत थी 2 से 5 हजार रुपए। आज छापेमारी के दौरान एक फर्जी ग्राहक भेजा गया, जिसने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की मांग की और लैब असिस्टेंट संजीव ने उससे मांगे पैसे। और जैसे ही फर्जी ग्राहक देने लगा पैसे, तो इशारा पाते ही छापेमार टीम ने लैब असिस्टेंट को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए लैब असिस्टेंट की पहचान संजीव कुमार के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के महिपालपुर में रहता है। छापेमारी करने वाली टीम ने मौके से फर्जी रिपोर्ट, लैपटॉप, प्रिंटर, एक रबड़ की मोहर, एक फोन, अन्य कागजात के साथ 12,500 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के डीएसपी इंद्रजीत यादव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में लैब असिस्टेंट संजीव ने बताया है कि लैब संचालक अनु शर्मा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के सिकंदरपुर एरिया में किराए पर रहता है। अनु शर्मा ने करीब 5 महीने पहले एसआरएल लैब की फ्रेंचाइजी ली और 18,000 रुपए प्रति माह किराए पर जगह लेकर लैब खोली थी, जो कि गुड हेल्थ डायग्नोस्टिक के नाम से रजिस्टर्ड है। वो बोले कि इस संबंध में थाना डीएलएफ फेज 3 में विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। तो साहेबान, पैसा बनाने के चक्कर में ये लैब वाले ने केवल लोगों के साथ कर रहे थे मजाक, वही नियम और कानून की भी उड़ा रहे थे धज्जियां। लेकिन अब इनका भांडा फूट चुका है। तो देखा आपने किस तरह पैसे के दम पर ही लोग हो रहे हैं मनमाने तरीके से कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव। यदि आपको भी कोई दे रहा है इस तरह का ऑफर, तो ना पड़े चक्कर में, रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।